आने वाले एक दो दिन में ईद का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर पहले ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी की ली। लॉकडाउन के तहत किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन नहीं हो पाएंगे, ना ही मंदिर और ना ही मस्जिद पर वीर गति होगी। तो वहीं पर एसपी कुंवर राशोदीप ने ईद के पर्व की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही सभी से अपील भी की कि अपने घर पर ही रहकर इस पर्व को मनाएं और घर पर ही नमाज अदा करें। ये ईद के संबंध में बहुत ही स्पष्ट है, सरकार के गाइडलाइन से बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी जो फेस्टिवल्स हैं या फिर नमाजों की बात करें या फिर आरतियों की बात करें, मंदिर और मस्जिद क्योंकि बंद हैं, वहाँ पर कोई भी नमाज नहीं होंगे, कोई भी आरतियाँ नहीं की जाएंगी और कोई भी फेस्टिवल में गैदरिंग नहीं हो सकती है। लोगों को अपने घरों पर ही ईद मनानी है। मैं सभी हमारे साथियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अजमेर वासियों को उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इन गाइडलाइंस का ध्यान रखें, कहीं पर भी एकत्र नहीं हो, मस्जिदों में नहीं जाएं, नमाज वहाँ नहीं हो सकती है, घर पर ही आपको नमाज पढ़नी है। और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उसके बारे में आप हमें सूचित कर सकते हैं, उनमें से जो भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता हो सकती है या फिर कोई अगर राशन की आवश्यकता है या कोई अन्य दिक्कत है तो उसकी पूर्ति की जाएगी। किंतु आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ईद घर पर ही मनाएं। आप सभी को ईद की अग्रिम बहुत